अम्मी को जो है कांस्टेंट सुनना पड़ता था, लौंडिया है क्या कर लोगी, मतलब अगर मैं अपना ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की अगर मैं मार्कशीट भी लाऊं तो उसको फेंक के मारा जाए और कहा जाए कि लौंडिया है, लौंडा कुछ करे तो बद भी। मैं 14 साल की थी जब मेरे बाबा का, मेरे पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा किया, जिंदगी में ऊंचा सोचने की और ये मानने की, इस बात पे, खुद पे, अपने पोटेंशियल पे यकीन करने की हिम्मत मुझे अपनी अम्मी से मिली। और बच्चों की तरह जब मैं उन्हें देखती थी कि वो कोचिंग जाते थे, मोटी मोटी किताबें लेके इस तरीके का खर्चा करते थे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, और मैं अपने घर में पलंग पे मोमबत्ती के सहारे पढ़ रही होती थी, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी कि मैं उन बच्चों की तरह कोचिंग जाऊं या मेडिकल करके बड़ी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाऊं। मगर उस वक्त घर में खाने के लिए हो जाए, यही एक बड़ी बात थी जो मेरे ख्याल से भारत के 80% किसानों के बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं हैं, उसी तरीके की समस्या मेरे घर में भी थी। तो अम्मी अकेले मेरी परवरिश कर रही थी मेरे छोटे भाई की, और मैंने ये सोचा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का बुखार, इससे मैं अपनी मानसिकता को पीड़ित नहीं होने दूंगी। और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीवंस कॉलेज में बीए में सीधा सीधा दाखिला लेने का निर्णय लिया। सेंट स्टीवंस कॉलेज के बाद मुझे विलायत जाने के लिए छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति के पैसे वहां पढ़ने और वहां रहने के लिए थे, जाने के टिकट के लिए नहीं। तो टिकट के पैसों का इंतजाम करने के लिए मैं खेतों में गई, वहां गेहूं की फसल कटी हुई थी, तो बहुत धूप हो रही थी, सख्त गर्मी थी, पसीना आ रहा था, और मैंने देखा कि चौधरी हरभजन जी, जिन्होंने मेरी परवरिश की है एक परिवार के सदस्य की तरह, वो खेतों में गेहूं काट रहे थे। तो मैंने उन्हें बताया कि दादा मैं विलायत पढ़ने जा रही हूँ और हवाई जहाज में उड़ के जाऊंगी। उस वक्त मैं पेरिस जा रही थी, पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स यानी पेरिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्योंस पो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बिटिया पढ़ लिख के क्या, मैंने कहा कि विलायत में पढ़ूंगी, फिर पढ़ लिख के वापस आऊंगी यहाँ पे आप सबके पास। तो फिर मैं देखती रही उन्हें गेहूं काटते हुए, उनका पसीना जो है वो मिट्टी में, जमीन में मिल रहा था, और कमर जो थी वो नंगी थी और ऐसे धोती पहन के वो कटाई कर रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये ख्याल बार बार आता रहा जब मैं हवाई जहाज में बैठ के जा रही थी कि चौधरी दादा वहाँ खेतों में उसी तरीके से काम कर रहे होंगे, मैं यहाँ खूबसूरत एसी में हूँ। फिर अगले दिन जब मैं स्योंस पो पहुंची और वहाँ पे जो स्पाइरल स्टेयरकेसेस हैं जिनमें बहुत खूबसूरत लाल कालीन बिछे हुए होते हैं, वहाँ भी मुझे बार बार वो सीन याद आ रहा था कि चौधरी दादा फिर वहीं खेतों में काम कर रहे होंगे उसी तरीके से। खैर, पेरिस से पढ़ने के बाद मुझको ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप मिल गई उसके कुछ समय बाद, और मैं ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय चली गई। तो जब मैंने दुनिया देखी, मैंने देखा कितने कितने किस्म के अलग अलग रंगों के लोग हैं वहाँ, कैसी कैसी ज़बानें बोलते हैं, किस तरीके के बच्चे क्या स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हैं, क्या दुनिया कितनी आगे है, इस चीज़ की गहन समझ मुझको ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय ने दी। ऑक्सफर्ड के बाद मैं संयुक्त राष्ट्र इंडोनेशिया में काम करने लगी, बोर्नियो में। संयुक्त राष्ट्र के बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी चली गई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में काम करने। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बहुत ही अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह काम करता है, और मेरा जो कमरा था वो 42वें माले पे था, वॉल स्ट्रीट जो एरिया है उसमें, तो 42वें माले पे, और जो उसकी जो दीवार थी वो शीशे की थी, और रात को टेम्परेचर -13 डिग्री हो रहा था और बर्फ पड़ रही थी। तो मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़े होकर कॉफी पी रही थी, ऐसे मेरी उंगलियां ऐसे कॉफी के कप की तरफ थी, और नीचे अमेरिका की जो पीली टैक्सीज होती हैं वो जा रही थी, ऐसे मैं देख रही थी उन्हें जैसे बिल्कुल माचिस की डिब्बियां होती हैं, और सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रंग बदल रही थी। तो उसमें इत्तेफाक से उस दिन वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो कई रंगों में उसको रखते हैं, तो उस दिन इत्तेफाक से वो रंग जो था वो केसरिया हरा था। मैं देख रही थी वो रंग बदलते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को, मेरे दिल में बार बार इस चीज का ख्याल आ रहा था कि मैं तो यहाँ न्यूयॉर्क में दुनिया घूम ली, पेरिस में पढ़ ली, ऑक्सफर्ड में पढ़ ली, चौधरी दादा और बाकी लोग जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इन जगहों पे आ सकूं, अपने अंदर की प्रतिभा को रियलाइज कर सकूं, वो आज भी उसी गर्मी में बिना बत्ती पानी उन्हीं तमाम दिक्कतों के साथ वो जिंदगी जी रहे हैं। और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस जाना है अपने मुल्क, अपने देश, उन्हीं लोगों के बीच जिनकी मैं बेटी हूँ। अम्मी को जो है कॉन्स्टेंट सुनना पड़ता था, लौंडिया है क्या कर लोगी, मतलब अगर मैं अपना ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय की अगर मैं मार्कशीट भी लाऊं तो उसको
फेंक के मारा जाए और कहा जाए कि लौंडिया है, लौंडा कुछ करे तो बद भी। खैर, इस सोच के साथ मैंने फिर सिविल सेवा में आने का निर्णय लिया। तो इससे दो चीजें तो साफ हो गई कि बेटियां सिर्फ सुरक्षा मांगने के लिए नहीं, बेटी सुरक्षा दे भी सकती है। अब मुझे लगता है कि यहाँ वापस आकर अपने मुल्क, अपने लोगों को गले लगाकर, अपने मुल्क की समस्या को समझकर कि मेरे देश में बेटी मजबूत है, बेटी सुरक्षा दे सकती है, बेटी आपके लिए है, टैक्स पेयर के पैसे ने अगर मुझे इतनी हिम्मत दी कि एक बिना बाप की बेटी खुद पे भरोसा करके जिंदगी में आगे बढ़ सके, तो फिर मैं देश का, ये देश मेरा और मैं देश की, और मैं पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ अपने देशवासियों की, देश के बच्चों की, बेटियों की, बुजुर्गों की सेवा करना चाहती हूँ।